माँ जी क्या हुआ? लड़की लक्ष्मी हुई है। लेकिन लेकिन क्या आप बोलती क्यों नहीं माँ जी? बोलिए ना। लड़की की माँ चल बसरी। शांति चल बसरी। शांति। भैया अब मैं अपने दामाद को कैसे बताऊं कि इसकी नौकरी भी छूट गई? भगवान जाने किस मनुष्य घड़ी में इस लड़की ने जन्म लिया है। दीदारी, दीदारी। क्या बात है रामलाल? कल रात को दीदारी आपके मकान में आग लग गई। आपका मकान जल गया दीदारी। अब क्या मरने वाले को खाएगी? ऐसा मत कहो। ये जो भी है वैसी भी है। ये मेरी बच्ची है। ये मेरी बच्ची है। छाया तू मुझे भी झूले पे बिठा लो ना। चल हट। जहाँ होगी वहाँ कुछ ना कुछ होकर रहेगा। मनहूस कहीं चल निकल यहाँ से। किस मनहूस लड़की की शक्ल दिखाई दी। राम 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 राम। छी सारा दिन बेकार जाएगा। ये क्या बाबा, अब तक वैसे बैठे जैसे मैं तुम्हें छोड़ के गई थी। तैयार नहीं हुए? होता हूँ छाया बेटी, अभी होता हूँ। सोचा जरा एक आध कश लगा लूं। ओहो बाबा, सारा दिन बैठे हो, कहीं गुड़गुड़ाते रहोगे? लीला की शादी में नहीं जाओगे? नहीं जाऊंगा। आखिर समझ के रखा है उन लोगों ने, ठीक शादी के दिन हमें न्योता भेजा, इसीलिए ना कि हम ना जाए, तो नहीं जाऊंगा। बाबा अगर तुम नहीं जाओगे तो लीला को मेरा ये तोहफा कौन देगा? एक ही तो सहेली है मेरी, मैं जा सकती तो तुमसे ना कहती। अरे अरे तू तो नाराज हो गई। अच्छा बाबा जाता हूँ, अभी जाता हूँ।
आया क्यों नहीं आई अभी तक? छीटे, उस मनुष्य का नाम क्यों लेती है? पुष्पा, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? अब क्या हुआ है? तुम जानबूझ के देर कर रहे हो ना? हाँ हाँ कर रहा हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता बेटी कि मैं जाऊं और तू अपनी सहेली की शादी में न जा सकती। तुम तो जानते हो बाबा, मैं क्यों नहीं जा सकती? तो मुझे क्यों मजबूर कर रही? मजबूरी है, और इसलिए भी कि मैं नहीं चाहती कि लोग मेरी वजह से तुमसे भी कमी कतराने लगे। चाहे बेटी। जाओ बाबा। जाने महाराज, आज ही हो रही है मेरे मुरारी की शादी। कन्या का क्या नाम बताया? हमारी लीला। दक्षिणा? नहीं महाराज, लीला। फिर भी माता जी दक्षिणा। ओ चौनी, माता जी इस कुंडली को तो देखने से प्रतीत होता है कि... क्या प्रतीत होता है महाराज? कि यदि कन्या को 3 वर्ष के अंदर पुत्र रत्न प्राप्त हुआ तो ये निश्चित समझिए कि दादी की मृत्यु निश्चित है। महाराज। जी हाँ, यदि आप अपना जीवन सुरक्षित चाहती हैं तो पति और पत्नी को 3 वर्ष तक ना मिलने दें। 3 वर्ष तक नहीं मिलने दूंगी महाराज। बंद करो ये बाजे, क्या मजाक लगा रखा है? 2 कंगन कम है, बारात वापस जाएगी। अरे जी समझे जी, हमारी नाक कट जाएगी। चलो चाची, बाजा भी बंद हो गए। यही तो होना है, दहेज में लड़की को कंगन जो नहीं दिए। अरे मैंने सुना है कि लड़की को भी नहीं ले जा रहे। ए भगवान, सब बनाए पर लड़की वाला ना बनाए। चाची तो क्या बारात वापस चली जाएगी? तुझे से क्या मनोज कहेगी? चल कमला शीला। कहा कुछ और दिया कुछ, दहेज में 2 कंगन कम जाए मिलने ही चाहिए। 2 कंगन ही तो कम है, पीछे भेज देंगे। पीछे भेज देंगे तो लड़की को भी पीछे भेज दीजिएगा। चलो मुरारी। अचानक ये समझी जी, हम कहीं के नहीं जाएंगे। मेरी पगड़ी आपके घर आओ, ये पगड़ी वरना ठोकर मार कर फेंक दूंगा। समझी जी, समझी जी, अचानक ये समझी जी। ठहरिए, चलिए यहाँ से। तू यहाँ क्या करने आई है? अपना मनहूस साया हम पर डालने? जी नहीं, इस घर की इज्जत रखने। लीला कितनी अच्छी लग रही है तू। मत जाओ छाया, मुझे विदा करके जाना। तू तो जानती है मैं नहीं रुक सकती। शादी मुबारक हो। छाया, ये तूने क्या किया? वो तो आप देख चुके हैं। हम कहां के इतने रईस हैं जो अपना घर लुटा के दयावान बनते फिरे? और फिर दया तो वो करे जिस पर दूसरे दया करते हो। वो दया ही क्या बाबा, जिसमें सिर्फ अपना फायदा नजर आए। पाई पाई जमा करके तेरे लिए कंगन बनवाए थे, अब तेरा ब्याह होगा तो मैं किसके आगे हाथ फैलाऊंगा बेटी? मेरा ब्याह? मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी बाबा। तुम ही तो समझ सकते हो मुझे बेटी। बाबा मेरे एक पुराने मित्र थे, उनकी धर्म पत्नी का, वो तुझे देखने आ रही है। मुझे? हाँ, अपने बेटे के लिए। और मुझे विश्वास है कि वो तुझे जरूर अपनी बहू बना लेंगी। एक ही बेटा है उनका और वो हवाई जहाज उड़ाता है। अब देखता हूँ कौन तुझे अशुद्ध कहता है। बाबा बाबा, मैंने अपने कंगन तो... अरे अच्छा किया बेटी जो किसी के काम आ गए। मैं तो जानता ही था कि इसका फल जरूर मिलेगा। देख लिया, उधर तूने कंगन दिए, इधर ये पत्र आ गया। मैं अभी इसका जवाब लिख देता हूँ। बहू बिटिया, जी बहू बिटिया, देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ, पहन ले। प्यार के इस बंधन में इतना जकड़ने की क्या जरूरत है आज? पहन ले बहू, बैठ जा। तू नहीं जानती बहू, आखिर मैं तेरी सास हूँ। जब तू इसे पहन के ठुमुक ठुमुक चलेगी तो मेरा रुआ रुआ मारे खुशी के नाच उठेगा। लेकिन एक बात याद रखना, अच्छी बहुएं सास का दिया हुआ गहना उतारती नहीं। जानती हूँ माँ जी। जीती रहो।
रफी की सेवा में आ रही हूँ। भाई साहब, किसी वैद्य हकीम के पास जाऊंगा। ऐसा लगता है कि अपनी एक टांग भी चली गई। आप चिंता न कीजिए भाई साहब, वैद्यराज यहीं आ जाएंगे। आप अंदर तो चलिए, आइए चलिए। नमः शिवाय, नमः शिवाय। आइए आइए बहन जी, यही मेरी छोटी सी कुटिया है। आइए बाबा जी, आइए। क्यों बेटा? आइए बहन जी, धन भाग है मेरे जो आपने कृपा की। आइए पधारिए, पधारिए बहन। ओह, आप इधर आराम से बैठिए। नहीं नहीं, बिल्कुल आराम से। छाया बैठिए, छाया। अच्छी है, अच्छी है, अच्छी है। मेरी बेटी छाया, मैंने ही इसे पाल पोस कर बड़ा किया है। इसे माँ का प्यार नहीं मिला। और बेटी, ये मेरे दोस्त की पत्नी। जुग जुग जीवो मेरी बेटी। और मेरे पास जीत रहो, जीत रहो। जी मैं अभी आया। दीदी जी, मैं भी अभी आता हूँ। तुम कहाँ चले? मैं तो भी मैं तो इसके पिताजी कहाँ गए? अभी आते ही होंगे। देखिए नई जगह है, आ ही जाए तो अच्छा है। क्या है बेटी, माता जी को मिठाई दो। बड़ी गुणवती है आपकी लड़की। अपने लड़के के लिए बहुत सी लड़कियां देखी मैंने। और मैंने भी देखी। अच्छा, लेकिन ऐसी एक भी नहीं। ठहरे हुआ, ऐसी बातों में जल्दी नहीं किया करते। मैं हाँ नहीं कहूँगा तो वो हाँ नहीं कहेंगे। तो फिर क्या किया जाए? जैसा मैं कहूँ वैसा करो। कहिए। जा चल के दिखाइए। बेटी मेरी हो गई। बड़ी दया है आपकी, बिन माँ की बेटी को माँ मिल गई। क्यों लेकिन मैंने तो तुम्हारे भैया को भी पास नहीं किया। ए? कैसे हैं वो? बहुत बुरे। अच्छा, रंग कैसा है? कौवा जैसा।
आंखें छोटी जैसे और कान खरगोश जैसे तो बहुत अच्छे हैं वो। अजी किस मनहूस लड़की को देखने आए हैं आप लोग? ये जिस घर में जाएगी सत्यानाश कर देगी। ओ? इसका तो साया पड़ जाए तो पानी नहीं मिलता। बाप रे बाप, तभी मैं सोचूं कि अपनी टांग क्यों टूट गई। वैद्य जी, आपने ये सब कुछ बताकर तो मेरी आंखें खोल दी। हालांकि अपन तो सारी दुनिया को एक ही नजर से देखते हैं। लेकिन अब क्या होगा? मैं तो जबान दे चुकी हूँ। दे चुकी हो तो वापस ले लो। लड़के वाले हैं, मनहूस लड़की ब्याहने जाएंगे क्या? मनहूस क्या होता है पिताजी? मनहूस मनहूस होता है बेटा अशुभ। अरे बबलू कैसा है तू भाई? वाह कैसा बेटे? अच्छा है ना? चल खड़ा हो जाए यहाँ। सुनाओ वहाँ देखा ही लड़की? हाँ भैया, पर वो कैसे थे? तो मेरी माँ को लड़की फिर पसंद नहीं आई। ऐसे तो माँ अपन कुंवारे ही रह जाएंगे। मैं रहने दूंगी तब ना कुंवारी रह जाएंगे। लिखो भैया। हाँ। श्रीमान जी, आपकी बेटी बहुत सुशील और सुंदर है। लिखो लिखो।
का दवा मेरे हाथ में क्या है? अरे क्या है जो पांव जमीन पर नहीं टिकते? खत अभी डाकिया दे गया है। पढ़ता हूँ, पहले दवाई पिला दे। जानते हो बाबा ये कहाँ से आया है? दवाई पिलाती है कि नहीं? पिलाती हूँ बाबा, लेकिन लेकिन ये खत तो रख दे। लो अब ये खत। जरा पानी दे दे बेटी। लो मेरा तौलिया दे दे बेटी। तुम ये खत नहीं पढ़ोगे? अरे इसमें क्या खास बात है जो इतना जोर दे रही है? खास बात है नहीं, ये इस पे बम्बई की मोहर है। बम्बई की? अरे तो पहले क्यों ना बताया बेटी। वो मेरी अनु कहाँ है? यही गई होगी। अरे नहीं मिलती तो रहने दे, ले तू ही पढ़ के सुना दे। मैं? अरे शर्मा क्यों रही है बेटी? नहीं ले पढ़। नहीं बाबा मैं नहीं पढ़। अरे पढ़ दे चल। श्रीमान जी नमस्ते, आपकी कन्या बड़ी सुशील है इसलिए मैंने देखते ही कह दिया था कि वो हमारी हो गई, परंतु लोग उसके बारे में क्या कहते हैं ये हमें अब मालूम हुआ। मैं इन बातों को थोड़ा बहुत नहीं बाबा, यहाँ तो लिखा है कि जरा भी नहीं मानती। क्यों शर्मा गई? आगे पढ़ बेटी आगे पढ़। पढ़ती हूँ, मैं इन बातों को जरा भी नहीं मानती इसलिए अब मैं साफ साफ लिखती हूँ कि मुझे ये रिश्ता मंजूर है। मंजूर है? उन्हें ये रिश्ता मंजूर है? बेटी दरख्त मुझे दे दे। तुम सुन तो चुके हो बाबा। अरे जरा पढ़ तो लूं। बाबा कौन कहता है कि मेरी बेटी मनहूस है? ऐसा वर ढूंढा है कि सबकी जबान बंद हो जाएगी, बारात आएगी, बाजे बजेंगे, मेरी बेटी डोली में बैठेगी और वही लोग जो उसे मनहूस अशुभ कहते हैं उसका सुहाग गीत गाएंगे, सुहाग गीत गाएंगे। हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं। कोई बात नहीं बेटी, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मैं भी तेरी बार ढूंढने जाता हूँ, आखिर समझते क्या है वो लोग, क्या दुनिया में वही एक लड़का रह गया? बाबा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं बेटी, अब तो एक ही बार देखूंगा। तू भगवान है इसलिए मैंने आज तक तुझसे कभी शिकायत नहीं की। तुमने मुझे गरीब बनाया और मैंने तेरी पूजा की ये सोचकर कि तू जो करता है ठीक ही करता है। तूने मुझे बेटी देखकर मुझसे उसकी माँ को छीन लिया, तब भी मैंने कुछ ना कहा। आज सुनती भी है कि तेरी लीला अपरंपार है। तूने मेरी बेटी को मनहूस बना दिया मगर मैंने उफ तक ना की कि शायद इसमें भी तेरा कोई भेद छुपा हो। मगर अब इस संसार में लड़कियों को जन्म देने वाले तू भूल गया है कि तूने क्यों जन्म देता है। तो सुन, मैं तुझे याद दिलाता हूँ। बाबा भगवान के लिए ऐसा लगता है? आज भगवान के लिए सब कुछ कहकर रहूंगा क्योंकि ये अंधा ही नहीं बहरा भी हो गया है। तो सुन, लड़कियां इसलिए जन्म नहीं लेती कि वो अपलाएं बना दी जाए, ठुकरा दी जाए, घर वालों के लिए बोझ बना दी जाए, बल्कि वो इसलिए जन्म लेती है कि वो घर की शोभा बन सके, माए बन सके और माँ बनकर संसार को एक नया जीवन दे सके। याद रख, मेरी छाया भी उन्हीं में से एक लड़की है। वो अशुभ है तो तेरी वजह से, वो मनहूस है तो तेरी वजह से। आज मैं तुझे, तूने भगवान होकर वो किया है जो एक मनुष्य भी नहीं कर सकता और आज मैं मनुष्यों के वो करूंगा जो तुझे करना चाहिए। चाहे मुझे ये घर छोड़ना पड़े, ये शहर छोड़ना पड़े। Thank you.
नो स्मोकिंग लखे लुच्छे प्लीज सिगरेट बुझाई नक्शो तो मेहरबानी हो साहेब जी बाबा क्यों मिस्टर ड्राइवर क्या हुआ सर जरा बस खराब होने लगा है बस खराब हो गया क्या हुआ बस को इस बस में कोई मनुष्य चढ़ा होगा कोई मनुष्य चढ़ा होगा गाड़ी में यहाँ से तो हम ही चढ़ा है अभी मन हो सकता है क्यों साहब हो सकता है हो सकता है अच्छा तो देख लेते हैं मैं उतरना शायद बस चल जा अच्छा लो भाई अपन तो उतर लिए लो भाई ड्राइवर साहब चला लो बस अगर चलती है तो लीजिए साहब ये बस तो नहीं चलेगी मालूम होता क्यों ड्राइवर साहब क्या हुआ बस को सर थोड़ा टाइम लगेगा बिगड़ गया आप सब साहबान उतरी मालूम होता आप सब मनहूस है झिंचक झिंचक झिंचकचा तीरी 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 रिताहा पंचिक 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 पा तीरी 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 रिताहा दिल हम तोहारे तुम कहो प्यारे गालों का तिल कब हारोगे हाय डोली अकेली कोई अलबेली बैया गले कब डारोगे ओ देखो जी देखो रह रह के दूर से बाहों की डोर से रोको ना राह मेरी घूम घूम के ओ यू ना बनो जी हौले से बोल जा लहरा के डोल जा रुकती है काहे गोरी झूम झूम के ओ पूछे ये तुमसे जिया किस दिन वो मोर पिया अपनी बनाए के पुकारोगी दिल हम तुम्हारे तुम कहो प्यारे गालों का तिल कब हार हो गए हाय दुनिया अकेली कोई अलबेली बैया गले कब डारोगे तमन्ना तुझ पे निसार हूँ तेरा शिकार हूँ काहे तको जिनैन मोड़ मोड़ के बलम जी सोना बस ये जवाब है दुनिया खराब है आना ना मेरी गली दौड़ दौड़ के घूंघट में बांध लिए तिरछी कमान लिए दिल पे निशान कब मारोगे हाय दुनिया कहली कोई अलबेली बैया गले कब डारोगे दिल हम तुम्हारे तुम कहो प्यारे गालों का तिल कब हारोगे तुम पुकार के सारे संसार से हमको तो तुमसे हुआ प्यार 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 ओ पूछे ही जाएंगे हम किस दिन वो लौज बलम डोली से हमको उतारोगी दिल हम तो हारे तुम कहो प्यारे गालों का तिल कब हारोगे Thank you.
ये तो कौन है? कोई भी तो नहीं। लेकिन वो घंटी? वहां नहीं, यहाँ बज रही है। तुझे यकीन नहीं आता? तो फिर कान लगा के सुन, आंखें बंद करके सांस रोक के सुन। सुनाई दिया? लेकिन ये तो खतरे की घंटी है। और ये खतरे की नहीं, ये मोहब्बत का अलार्म है। लेकिन मुझे तो डर लगता है। इसमें डरने की कौन सी बात है, मैं जो यहाँ हूँ। फिर से सुन, सुन लीला, जब से तुझे ब्याह करके लाया हूँ, आज ही तो एक मौका मिला है दिल की बात कहने का। सुनाई दिया? जी, कुछ कुछ। क्या सुनाई दिया? अरे बहू बिटिया कहाँ चली गई? ढूंढते ढूंढते आंखें पथरा गई। तुझसे कितनी बार कहा मुझे अकेला छोड़कर मत जाया कर, तू नहीं होती है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। अब देखना मेरा चश्मा खो गया, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। देखा, तुझे देखते ही मेरा चश्मा भी मिल गया। अरे तभी तो कहती हूँ तू मेरे लिए कितनी शुभ है बहू। और तू यहाँ खड़ा खड़ा क्या देख रहा है निकम्मे? घंटी नहीं सुनाई देती? जाके देख दरवाजे पर कौन है। अभी जाता हूँ माँ। अरे इसे अपने साथ कहाँ घसीट रहा है? उसको, अरे ये तो भूल ही गया माँ। चल बहू चल। कैसे लोग है बेटा, आ जाते हैं हम का सर खट। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। लीला देवी यही रहती है? अजी साहब मैं भी यही रहता हूँ, आइए आइए। ए माँ, मुझे तो सिर्फ लीला से मिलना है। आप घबराइए नहीं, लीला आएगी तो माँ आएगी, माँ आएगी तो लीला आएगी। क्या है रे? अरे छाया, लीला, छाया। माँ जी ये मेरी सहेली छाया। जीती रहा बेटी, जीती रहा। और मैं इनका पति हूँ, इनके पिता का दामाद भी हूँ। क्या कहा? माँ जी का बेटा भी हूँ। आ बेटा अंदर आओ। चल आओ, चलो। माँ जी बहु बेटिया आई। घबराने की क्या बात है छाया, ये तो तुम्हारा अपना घर है। जब तक जी चाहे यहाँ रहो, न मैं शुभ न तुम अशुभ, ये तो दुनिया की समझ का फेर है। बहू बिटिया। अच्छा मैं चली हूँ। जी क्या करते हो जी? करता हूँ हाँ, कुछ किया होता तो रो नहीं काहे का था, लेकिन अब करके दिखाऊंगा। जी वो क्या? शादी। शादी अपनी फिर से? अरे अपनी नहीं, छाया की, जिसने तेरे लिए सब कुछ किया है। लेकिन किससे? उसी लड़के से जिसकी माँ ने उसे अशुभ बना दिया है। जी कैसी बातें करते हो जी, न लड़का देखा न भाला। फिकर न कर, सब कुछ देख लूंगा मैं, इतना मूर्ख नहीं हूँ मैं। जी तो कितने मूर्ख हैं आप? माँ से पूछ ले कितना मूर्ख हूँ। बॉय बिल आओ, खाना तुम्हारा बहुत अच्छा बनता है। एयरपोर्ट पे 3 रुपया चिकन भी, अभी 3 रुपये नहीं है। अरे अरे हमारा पर्स किधर गया? अरे हमारा पर्स काट दिया किसी ने। अरे ठहरो मेरा साफ कर। एक्सक्यूज मी सर, मेरी पॉकेट किसी ने काट दी है, एक होटल का बिल देना है जरा। 10 रुपये आप देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी, सब बेइज्जती हो जाएगी। पॉकेट में कट जाते हैं। क्या चाहिए? 10 रुपये? जी साहब देंगे। मैं आपको लौटा दूंगा साहब। लौटा देंगे जी? कब? मैं आपको जानता हूँ, आपका नाम है कैप्टन प्रकाश। शुक्रिया शुक्रिया। नमस्ते। नाम भी जानते हैं। बिल लो 3 रुपया, 7 रुपया तुम टिप जाओ। क्या हो रहा जी? जो कुछ हो रहा है ठीक हो रहा है। मुझे तुमसे एक बात कहनी है। क्या बात करनी है? कल सुबह टेलीफोन करना। किसे? अरे उसी लड़के को जिससे मैं छाया को मिलाना चाहता हूँ। अच्छा वो तो मिल ही जाएंगे, लेकिन हम, हमारा क्या है बाबरी, हमारा तो जन्म जन्म का साथ है। इस जन्म में ना सही, किसी दूसरे जन्म में जा मिलेंगे। हाँ? दूसरे जन्म में? तो क्या मैं, आप? वो बोलो बोलो, कहो कहो लीला,
लीला जब तुम बोलती हो ना मुझे ऐसा मालूम होता है कि कोई पहाड़ी कोयल बोल रही है। बहु बिटिया। रे 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 कहाँ ये पहाड़ी कौवा बोल उठा। मैं जाती हूँ। हाँ जाओ। हे भगवान। हेलो हेलो एयरपोर्ट एयरपोर्ट। हाँ वो कैप्टन प्रकाश है जी। हाँ 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 जरा बुलाना प्लीज। थैंक यू। मेरे तो हाथ कांप रहे हैं। अरे हाथ मैं थामूंगा क्या कांप रहे ऐसे मौके पे हाथ कांप। हेलो बोल हेलो हेलो तो हेलो मैं छाया बोल रही हूँ। मिसेस छाया मिस्टर मुरारी की बीवी। आपने हमें जो पैसे दिए थे ना वो मैं वापस करने आऊंगी क्योंकि उनकी तबीयत खराब है। जी हाँ रेस्टोरेंट। लेकिन मैं आपको पहचानूंगा कैसे? पहचानेंगे पहचानेगा कैसे? कहना मैं काली साड़ी पहन कर आऊंगी देखकर। काली साड़ी देखकर? हाँ 6 बजे। थैंक यू थैंक यू। हाँ थैंक यू। बंद कर दिया। चलो अच्छा हुआ अपना प्लान पास हो गया। लेकिन मैं माजी से बच के निकलूंगी कैसे? अरे तू घबराती क्यों है? तू और छाया दोनों काली साड़ी पहनकर निकलना। फिर क्या होगा? क्या होगा माजी अंदर हम लोग बाहर। समझी? नहीं समझी कोई बात नहीं चल। मैं शक्कर जाऊं बेटा। तुम बैठो छाया हम अभी आते हैं। जरी सी देर में थोड़ी सी देर में अभी आए। कर्मचारी है ना? छाया देवी तुम्हारी नानी बहन नू नाम छे। नानी बहन नू नाम छे वाइनी? आ तो 2 वर्ष नी छे रमकड़ा देवी। 2 वर्ष नी छे। बोतल बिस्किट दूंगा। सॉरी ना। हां ना आप माया देवी है ना? आप छाया देवी है ना? केना सुनीगा? आप केना सुनीगा है? केना सुनीगा? अरे सुनीगा। अरे पोया पो पोया पो आपके संग में किन्ना। छाया तेरी जी। ओह आई एम सॉरी आप छाया तेरी है ना? जी हाँ। मैं प्रकाश हूँ मिस्टर प्रकाश। तो मैं क्या करूँ क्या चाहते हैं आप? आपने मुझे बुलाया था ना फोन किया था। फोन? कैसा फोन? जी वो टेलीफोन। देखिए मुझे मजाक पसंद नहीं। जी मजाक तो मुझे भी पसंद नहीं। अच्छा कहाँ चला? जी हाँ जाइए अभी। थैंक यू। लेकिन वो रुपए? कैसे रुपए? जी जो आपके पति देव ने लिए। आपका दिमाग तो ठिकाने है। किसका पति? जी वो आपका पति वो बुद्धू सा पति। आप हद से बढ़ते जा रहे हैं। जी मैं तो नहीं हद से बढ़ रहा। आप हद करते हैं। आपने मुझे बुलाया और ऊपर से बजाय रुपए देने की बरसानी है। मिस्टर प्रकाश। मिसेस छाया। क्या बात है आपसे मिलकर खुशी हुई। शुक्रिया। मोहब्बत का पहला कदम पहला या आखिरी तुम देती जाओ। क्या बात है। कुछ नहीं वो बदमाश पीछे पड़ गया था। कौन? कोई था मिस्टर प्रकाश। मैंने ऐसे थप्पड़ दिया कि बस याद करता हूँ। अच्छा क्या उसको थप्पड़ दिया? थप्पड़ दिया उसको? अरे उसको तो मैंने बुलाया था। आपने बुलाया था? हाँ वो मेरा दोस्त है कर्जा चुकाना था ना। अरे वो तो बहुत ही अच्छा आदमी है। गजब हो गया ये तो बड़ी भूल हो गई। मैं भी आई। अरे कहाँ जा रही है? जाने देना कहाँ जा रही। अरे डर भाई ना। अरे होटल में सब अपने दोस्त। नहीं अरे सुनो ना यही मौका मिला है गाना गाऊं तेरे लिए। सारी सारी रात तेरी। सुनिए तो मुझे बहुत अफसोस है। जी अभी तक आप खुश नहीं हुई? जी नहीं बिल्कुल नहीं। मैं जी बिल्कुल नहीं मुझे तो काफी सजा मिल गई है। मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ।
आप माफी मांगना चाहते हैं? जी हाँ, मुझसे गलती हुई। जी गलती तो मुझसे हुई थी। जी नहीं, मुझसे गलती हुई, मैंने गलत आदमी समझ कर आपका हाथ उठा दिया, मुझे माफ कर दीजिए। अच्छा, माफ किया, माफ किया मेरे छाया। सिर्फ छाया, सिर्फ छाया, मेरे छाया, मेरे छाया, नमस्ते मेरे छाया। आप मुझे एक और तमाचा मारिए। क्यों? तो मारिए ना। लेकिन क्यों? मारिए ना जी। क्या बात है, बताइए तो सही। बात यह है कि आपने मुझे एक तमाचा मारा था तो मेरी तरक्की हो गई, एक और मारिए तो शायद मैं लुटेरों का मालिक बन जाऊं। आप शर्मिंदा ना कीजिए। शर्मिंदा होने की क्या बात है? अरे आप तो मेरी किस्मत बनकर आई हैं, किस्मत। इसी खुशी में आज आपकी दावत होगी। जहाँ अभी अभी? हाँ हाँ, इसी वक्त, इसी वक्त, फिर कभी से। कभी? इसका मतलब हम फिर मिलेंगे? ओह, ड्यूटी का वक्त हो गया। लेकिन देखिए, आप मुझसे वादा कीजिए कि आप परसों मुझे जरूर मिलेंगी, यहाँ इसी जगह 5 बजे। थैंक यू, आपसे मिलकर खुशी हुई। I'm
न दूर से मिल भी जा गले, मिल भी जा गले। देखती है खिड़कियाँ तू ये जान ले, तू ये जान ले। मैं न मानू, मैं न मानू रे नार ना नार ना नार ना। कल साजना मिलना यहाँ है तमाम काम धाम दे, आजना आजना आजना। छोड़ो बिना मैं तो हुल मचाऊंगी हाथ छोड़ दे। अरे मर्द क्या डरेगा ये बात छोड़ दे। न, 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 मैं तो हुल मचाऊंगी हाथ छोड़ दे। चा, 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 मर्द क्या डरेगा ये बात छोड़ दे। देख चूड़ी हाय निगोड़ी दे बाजना बाजना बाजना। छोड़ो बिना पागलपना बेकरार दिल का प्यार है भागना भागना भागना। ये क्या हो रहा है? माँ बाप रे, ये बर्तन मांजे जा रहे हैं? नहीं मांजे, चल यहाँ से। अरे माँ तुम कहाँ ले जा रही हो, ये बर्तन कौन मांजेगा? तू मांजेगा। अच्छा चल बहू। हाँ? चल मैं मांजूंगा। अरे बाप रे, अब मुझे चक्कर आ रहे हैं। कहाँ गई? किसे ढूंढ रहे हैं आप? आप किसे ढूंढ रहे हैं? जी एक लड़की को ढूंढ रहा हूँ। कैसी है वो? है तो बिल्कुल आप जैसी। आई नहीं क्या? जी आई तो है लेकिन यहीं कहीं मिल नहीं रही। तो फिर? तो फिर चलिए आप और हम उसे मिल के ढूंढें। आई का ये इकरार है।
सुनो धड़कन ये दिल की, तेरी पहेलिया की झनकार है। दो ही नजर की ये बातें नहीं रे, जीवन भर का ये इकरार है। अब तो हमारी सुनो धड़कन ये दिल की, तेरी पहेलिया की झनकार है। सजनी तू ही बता दे जिया क्या हो गया। अरे अभी अभी तो मेरे पास ही था वो, राम ही जाने पिया क्या हो गया। ढूंढ रहा हूँ तुझे दिल दे के सजनी, तू ही बता दे जिया क्या हो गया। अरे अभी अभी तो मेरे पास ही था वो, राम ही जाने पिया क्या हो गया। अरे शोला सा चमक गया थोड़ा, मैं बहक गया थोड़ी, तू बहक गई रे। नजर भर की हो गई नादानी, नजर भर की हो गई नादानी, नजर भर की हो गई नादानी, नजर भर की हो सुहाने दीवारों में चुन के जीना पड़ेगा गौरी मेरे लिए। सच कर दिखाऊंगी मैं दुनिया को सैया, सपने जो देखे मैंने तेरे लिए। सपने सुहाने दीवारों में चुन के जीना पड़ेगा गौरी मेरे लिए। बन के अनार गली सजन तुम्हारे गली, जब तेरे संग चल रे। उम्र भर की हो गई बदनामी, उम्र भर की हो गई बदनामी, उम्र भर की हो गई बदनामी, उम्र भर की हो गई। अरे तूने जो इधर देखा मैंने भी उधर देखा, काहे को जले है कोई रे। नजर भर की हो गई नादानी, नजर भर की हो गई नादानी, नजर भर की हो गई। भूल गई लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं? मैं कुछ नहीं जानती। जानती कैसे नहीं, तुम जानते हुए भी अनजान बनना चाहती हो। तुम मनहूस हो, तुम अशुभ हो। अगर तुम प्रकाश की हो तो मैं उससे दूर रहना होगा। तुम मनहूस हो, तुम मनहूस हो, सुना तुमने? तुम मनहूस हो, तुम मनहूस हो, तुम मनहूस हो। सादी लड़की हूँ और तुमसे प्यार करती हूँ। अब तुम ही मुझे बचा सकते हो, सिर्फ तुम। लेकिन अगर मैं सचमुच, नहीं नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। चाहे मैं मर जाऊं प्रदेश, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। कोई नहीं, कभी नहीं।
छाया क्या हुआ? तुम आई क्यों नहीं? मैं तुम्हारा इंतजार करता रहा। आ नहीं सके। क्यों? ये टूट गई थी ना। छाया तुम्हें कैसा वहम हो गया है? अरे ये टूट गई थी तो दूसरी आ जाएगी। अब फिर मैं तो ऐसा ही हूँ जैसे कि हमेशा था, वही पाँव, वही हाथ, वही आंखें, वही होंठ और वही दिल छाया जो सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। जानती हूँ प्रकाश, जानती हूँ। तो फिर तुम इतनी परेशान क्यों हो? हमें एक दूसरे से नहीं मिलना चाहिए। छाया, यूं समझ लो कि मैं तुम्हारे लिए मर गई। छाया, ये मैं कैसे समझ लूं? जब तक मेरी मोहब्बत जिंदा है तुम कभी नहीं मर सकती। तुम्हारे दिल पर कोई बोझ है तभी तुम ऐसी बातें कर रही हो। आखिर बताती क्यों नहीं हो कि बात क्या है? नहीं, मैं तुमसे नहीं कह सकती। अरे, मुझसे कुछ भूल हो गई है क्या? भूल तुमसे नहीं, मुझसे हुई है जो आज तक तुम्हें धोखे में रखा। तो इसका मतलब कौन है वो? भगवान के लिए ऐसी बात ना कहो। क्यों ना कहूं? मैंने तुम्हें हमेशा अपना समझा है, क्या मुझे इतना भी अधिकार नहीं? इसलिए कि तुम्हारे मन में चोर है। हाँ, इसीलिए। लेकिन वो सिर्फ मेरे जीवन के सपने चुरा कर ले गया, उसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। तो कौन है वो जिसके लिए तुम मुझे ठुकरा रही हो? वो तुम हो जिसके लिए मैं तुम्हें ठुकरा रही हूँ। मुझे पहेलियां बूझने की आदत नहीं छाया। इधर देखो, मैं तुम्हारी आंखों में झांक कर देखना चाहता हूं कि तुम्हारे दिल में क्या है। तो आज 9 बजे उसी जगह जहां हम पहली बार एक दूसरे के हो गए थे, तुम्हें आना होगा और मैं जानता हूं कि तुम जरूर आओगी। मुझे विश्वास था कि तुम आओगे। मुझे क्यों सता रहे हो? मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती। वो क्यों? तुम्हारी तरफ बढ़ते हुए अपने हर कदम की आहट से मुझे डर लगता है। कैसा डर? ये तुम्हें आज हो क्या गया है? तुम्हें पाकर मैं अपने आप को भूल गई थी, लेकिन आज क्या? आज आज मैं तुमसे कहने आई हूँ कि मैं दुनिया की नजरों में वो नहीं जो तुम मुझे समझ रहे हो। तो क्या हो तुम? मनहूस, अशुभ। एक कैसा पागलपन है छाया। अरे, इंसान मनहूस नहीं होता, उसके ख्यालात मनहूस होते हैं। तुम इंसानों को झुटला सकते हो, उनके ख्यालातों को, उनके विचारों को नहीं झुटला सकते। मुझे ये बताओ छाया कि हमारी इस मोहब्बत का क्या होगा जो दुनिया के हर वहम से ऊंची है? ये दुनिया वालों से पूछो। हमारे उस प्यार का क्या होगा जिस पर चांद और सितारे रश करते हैं? ये चांद सितारों से पूछो। हमारे उस प्यार का क्या होगा जिसे हम अपनी तकदीर समझ बैठे? ये तकदीर से पूछो। पूछने से क्या होगा इसका जवाब तो हमें देना है, तुम्हें, मुझे। तकदीर से
अच्छी रहेंगी तन्हाइयों में बातें तेरी तस्वीर से ओ प्यार में गम प्यार ही में गम भी तो है साथ तेरे हम भी तो है फिर भी न जाने रुकती नहीं क्यों धड़कन किसी तदबीर से ओ प्यार में सके बंद हो जो राहें मेरी काम के चलो बाहें मेरी तुमको कसम है बांधो ना हमको इतनी हंसी जंजीर से ओ प्यार में तो नहीं ओ चल न जाए जादू कहीं इश्क है हंसी तो नहीं कांपते हैं मेरे कदम ओ कांपते हैं मेरे कदम जाओ नहीं रोकेंगे हम सनम होता है तकदीर से ओ, अच्छी रहेंगी तन्हाइयों में बातें तेरी तस्वीर से बस बस अरे अच्छा यार आओ बैठ जाओ बैठो अरे तुम तो शर्मा रही हो इसमें शर्माने की क्या बात माँ को आखिर कभी ना कभी तो मिलोगी ना तुम बैठो मैं भी बुला के लाता हूँ माँ को अरे देखो तो कौन आया और जनाब फूल से होन हिरन सी आंखें सच कहता हूं मां कहां गई कोई होती तो दिखाई देती ना नहीं मां अभी अभी यहां थी मां तुम यहीं ठहरो मैं अभी अभी देख कर आता हूं लेकिन मैं तुम्हारे घर से इसीलिए चली आई थी कि मैं मां और बेटे के दरमियान दीवार बनना नहीं चाहती प्रकाश तुम भूल जाओ मुझे और मैं भी तुम्हें भूलने की कोशिश करूंगी तुम जाओ प्रकाश जाओ जाओ यहां जब मैं तुम्हें घर ले गया था तो मुझे यकीन था कि माता जी तुम्हें आशीर्वाद देंगी लेकिन
अब शायद किस्मत को यही मंजूर है कि इन हाथों को जिन्हें मैंने थाम कर कभी न छोड़ने का वचन दिया था, ये कंगन माता जी नहीं पहनाएंगे, मैं पहनाऊंगा। ये तुमने क्या किया? भूल माने की प्राश्चित बेटा करेगा, हमारा ब्याह होगा लेकिन उनके बगैर। छाया, अब तुम्हें आशीर्वाद देना ही होगा। भैया, सब इंतजाम हो गया? सारा इंतजाम हो गया दीदी। लेकिन दीदी कुछ मजा नहीं आया। क्या मतलब? न बैंड बजा, न बारात गई। दीदी अपने को ये चोरी चोरी की शादी कुछ क्यों? कुछ भी हो, बहू तो मेरे लिए ला रहा है ना। अंदर ले जाओ माँ। जिस लड़की को मैंने इनकार कर दिया था तू उसी को ब्याह के लाया है? मैं उसे अपने घर में नहीं ले जाऊंगी। इसका दोष माँ? अभी दोष पूछना बाकी है। इधर इसने घर में पाव रखा, उधर आग लग गई, मंगल कलश टूट गया। इसने तुम्हें धोखा दिया है। नहीं नहीं माँ, छाया ने मुझे सब कुछ बता दिया है। फिर भी तुमने उससे शादी की? जानता नहीं कि ये मनहूस है? ये तो आपका वहम है। वहम नहीं, जिस लड़की को तू ब्याह के लाया है वो मनहूस है, और मैं ही नहीं सारी दुनिया यही कहती है। लेकिन माँ का दिल क्या कहता है? माँ बोलो ना, माँ का दिल क्या कहता है? अच्छा तो वहम के आगे माँ का दिल हार गया। छाया छाया चलो यहाँ से चले, चलो छाया हम यहाँ से चलेंगे। चलो उधर क्या देख रही हो? चलो दिखाई दे रहा है। सुनो माँ जी पूजा कर रही हैं। अच्छा है, भगवान से प्रार्थना ही तो कर रही होंगी कि तुम और हम एक साथ रह सकें। पर हमें भी तो चलना चाहिए ना। अच्छा तुम कहती हो तो, लेकिन मैं क्या करूंगा जाकर, मेरी देवी तो मेरे पास है ना। सुनो मैं जाऊं? अच्छा जरा ठहरो। अब क्या है? एक फूल मेरे नाम से भी चढ़ा देना। फल मिलेगा? वो तो मिल चुका। यम ब्रह्मा ब्रह्मेन्द्रतम वस्तु मंत्रि स्त्री हृदय सांग पद क्रमोपनिषदि वायम द्वयम सांग ध्यानावस्थित परिगत येन मनसा पश्यन्ति योगिनी शान्तं नमो सुरा राघव राधा पतित पावन सीता।
भाभी। जीते रहो इतनी सवेर तू यहाँ क्या कर रहा है? दिखाई नहीं देता, माला माला बना रहा हूँ। हाँ बुआ से प्रसाद लेने जा रहा हूँ। अच्छा हाँ। मुझे भी अपने साथ ले चलेगा वहाँ? बोला ये। हाँ बहू रानी, इस वक्त माता जी बहुत खुश रहती हैं। प्रतिबोधिताम् भगवताम् नारायणेन स्वयं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं गमननम् योगविज्ञानगम्यं वंदे विष्णुभुवनं सर्वलोकैः। तुम चाहिए हो जी? बहुत अच्छा, अब जाओ, तुम्हारा सुहाग अमर रहे। तुम अभी तक पड़े हैं, सो रहे हो, उठो ना, उठो ना, उठो, देखो मैं तुम्हें क्या बताना है। अरे अरे ये क्या पागलपन है, क्या हो तुम्हें? पागलपन पागलपन है, खुशी के मारे बिल्कुल पागल। ऐसी खुशी कौन सी, मुझे भी तो बताओ। माजी ने मेरे फूल स्वीकार कर लिए। अरे सच? देखा मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरी माँ सिर्फ देखने में ही पत्थर है। अरे दिल तो उनका ऐसा है जैसे पिघला हुआ सोना हो। अरे आखिर मेरी माँ है कि मजाक थोड़ी है। अब चलो ना, हम दोनों मिलकर भगवान के चरणों में शेष नवाएं। अच्छा तुम चलो, मैं भी आया। नहीं तुम भी साथ चलो। अच्छा देखो मैं बताऊँ, थोड़ी सी नींद बाकी रह गई है, वो मैं पूरी करूँ, बस तुम चलो ना। अच्छा बताओ बताओ। भगवान मेरे फूल तेरे चरणों में, तू बड़ा दयालु है प्रभु, आज मैंने तुझे पहचाना। भाभी क्या है बबलू? फूल फूल। मेरे लिए लाया है? नहीं ये तो वही है जो तुम लाई थी। क्या? हाँ भाभी, बुआ ने बाहर रख दिया, मैं फिर उठा लाया। जलते
तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? भगवान की देन है। क्यों, क्या मांग रही हो भगवान से? लाओ एक फूल मैं भी भगवान के चरणों में अर्पण कर दूं। प्रकाश, कहाँ जा रहे हो? मुरारी क्या माँ? क्या बच्चों किसी बातें कर रहे हो? क्यों माँ? कोई रीत रिवाज की परवाह है कि नहीं? इधर बहू घर में आई, उधर बना छना के ले चले। न मोहल्ले के औरतों ने देखा, न सगुन लिया। अब वो देखने आएंगी तो मैं किसका मुंह दिखाऊ? अपना ना बाबा ना, मैं अपनी नाक नहीं करने। अच्छा, तुम्हें नहीं जाएंगे? तुम्हें किसने रोका है? तुम जाओ, बहू नहीं जा सकती। शादी से पहले तुम अपने चाव पूरे कर चुके हो, अब मुझे भी तो अपने चाव पूरे करने दो। तो माँ, मैं कब रोक रहा हूँ तुम्हें चाव पूरे करने से? छाया, तुम बहू बनी हो तो बहू बनने का मजा भी तुम ही चखो। मैं चला। दीदी जी, दीदी जी, मोहल्ले की औरतें आ रही हैं बहू रानी को देखने के लिए। ओ बहू, तुम ऊपर अपने कमरे में जाओ। दीदी, उसे ऊपर क्यों भेज दिया? देखते जाओ। अपन को क्या दिखाती हो दीदी, अपन तो सारी दुनिया को एक ही नजर से देखते। आओ बहन, बधाई हो बहन, बधाई हो। सुना है कि बड़ी सुंदर बहू आई है, हाथ लगने से भी मेली हो जाती। मगर है कहाँ? ऊपर अपने कमरे में। बहन, क्या इसलिए छुपा दिया कहीं उसे हमारी नजर ना लग जाए? नहीं बहन, ये बात नहीं, इसलिए छुपा रखा है कि कहीं उसकी नजर तुम्हें और तुम्हारे बचाए। हाय राम, अब तुम लोगों से क्या छुपाना, मेरे तो नसीब ही फूट गए। बहू मिली भी तो ऐसी अशुभ, न जाने पिछले जन्म में मैंने कौन से पाप किए थे। मन मैला न करो बहन, सब ठीक हो जाएगा। चलो चलो बहन। बहू, तुम अभी तक वहीं खड़ी? क्या है बहू? बुआ ने कहा है तुम तैयार हो जाओ, वो आ रहे तुम्हें देखने। कौन? तुम तैयार तो हो जाओ। तैयार तो हूँ मैं। काला लगा देता हूँ, नजर ना लग जाए। अब घूंघट निकालो। अब खड़े हो जाओ। अब यहाँ बैठ जाओ। तू तो मुझे बिल्कुल गुड़िया बना दे रहा है बबलू। क्यों? आइए आइए। हमारी बहू रानी समाती है। अरे मुंह दिखाई। बस एक ही रुपया कंजू, ये तो मेरी फीस हो गई। मुँह देखना है तो कम से कम 5 रुपए देना। मिलेंगे भाभी, मिलेंगे, घबराने की बात नहीं। अभी आंखें बंद कर लेना और घूंघट निकाल लो। अरे मुझे देख के शर्मा गई, और जब पड़ोस की औरतों ने देखा होगा तब तो आपका मुखड़ा खिल गया होगा। बताओ कितनी मुझे दिखाई गई, तुम पसंद आई? तुम्हें पसंद आ गई तो सबको पसंद आएगी। तुम बाकी फिक्र न कर, मैंने उसका सब इंतजाम कर रखा है। वो कैसे? वो देख, अलार्म। पर ये बजेगा? तू देखती जा। और इसकी चाबी? इसकी चाबी भगवान ने दे रखी है, कभी खत्म नहीं होती। देख अलार्म बजा, इसका मतलब है माँ आ गई। माँ आ गई।
अरे लीला, आओ आओ बहन, बहुत दिनों के बाद आई, बैठो। क्या बैठूं बहन, जब से तुम्हारी बहू आई है तुमने हमारे घर आना ही छोड़ दिया। क्या बताऊं बहन, बड़ी शुभ बहू मिली है। मुरारी की माँ, शुभ बहू तो बड़े भाग वालों को मिलती है। मिली कहाँ है, बनाई है। वो कैसे? बात ये है, कुछ दिन पहले काशी वाले पंडित जी आए थे, उन्होंने बहू का हाथ देखा और चुपके से कहने लगे, मुरारी की माँ होशियार रहना, अगर 3 वर्ष के अंदर बहू गर्भवती हो गई तो इस घर पर मुसीबत आ जाएगी। बस तब से मैंने बहू को शुभ बना दिया है, हर वक्त उसे अपने कलेजे से लगाए रखती हूँ। ये बात है बहन, तो मैं चली, कभी आ जाया करो बहन। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बहू बिटिया, मुरारी कहाँ है? वो कहीं बाहर गए माँ जी। और ये चप्पल? चप्पल माँ जी, आपका चश्मा कुछ सारे। अरे अरे, क्या कर रही है? अभी तो बिल्कुल ठीक नहीं माँ जी, जल्दी दे। देखिए, हाय, ये चप्पल कहाँ गए? बहू बिटिया, तू मुझे अकेली छोड़कर कहीं मत जाया कर, न जाने मुझे क्या हो जाता है, कभी कुछ दिखाई देता है और कभी कुछ। माँ जी, आपका चश्मा ही बदलना पड़ेगा। चश्मा? मेरे ख्याल से तो मुझे अपने आप को ही बदलना पड़ेगा। हाँ माँ जी। आप तो उसी वक्त उसी घड़ी आई थी जब तू इस घर में पाव रखा था, और कोई नहीं मिला तो इस बच्चे की जान को आ गई। अरे इस मासूम ने तेरा क्या बिगाड़ा था, इस जलता हुआ दूध डालकर उसे मारने लगी थी। पाव तो मेरा गला है माता जी, उस पर तो जरा भी नहीं गिरा। नहीं गिरा तो इसके भाव, तूने तो कोई कसर नहीं छोड़ी, अपने घर वालों को तो खा गई, अब हम पर नजर है क्या? बहू रानी, आपको घर का काम नहीं करना चाहिए, नौकर जो है। मैं हाथ जोड़ती हूँ, रसोई घर में मत आया कर। क्यों माँ, क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, इसे मिन्नत कर रही हूँ, अभी हाथ नए नए पीले हुए हैं, घर का कामकाज मत किया कर। लेकिन मानती नहीं, अब देख लो नतीजा, पैर जला लिया। अरे लाओ देखूं तो। कुछ नहीं हुआ। हुआ कैसे नहीं, बड़ी तकलीफ हो रही होगी, ले जाए इसे और डॉक्टर को भी बुला ले। अरे माँ, तुम तो ऐसे कर रही हो जैसे कोई बच्ची है। छाया, देखा मांगो तुम्हारा कितना ख्याल। क्यों नहीं हो, बहू जो है मेरी, अगर मैं ख्याल न करूं तो और कौन करेगा? लो। ब्याह हुआ, छुट्टी भी खत्म हो गई, लेकिन कितनी बदल गई है ये जिंदगी। पहले जब मैं काम पर जाता था तो अकेले जाता था, अकेला होता था, लेकिन अब मैं तुम्हें अपने साथ लिए जा रहा हूं, अपने साथ मान ले जाते हुए भी। तुम भी तो मेरे पास ही रहोगे, मुझसे दूर होकर भी। अच्छा छाया, तो अब मैं चलूं? अपना ख्याल रखना। तुम भी अपना ख्याल रखना छाया। फिक्र ना कर भैया, मैं भी इनके साथ रहूंगा। अरे सचमुच, जिस घर में ऐसा मत दो उसे डर काहे का है। चल पकड़ बैग और भाग आगे। अच्छा माँ, मैं ड्यूटी में जा रहा हूँ। भगवान तुम्हें सुखी रखे बेटा। माँ, तुम्हारी आशीर्वाद मिल गई, अब मुझे किस बात का डर है?
जरा ठहरो बेटा। क्यों माँ? शगुन कर लेने दो, तब घर से बाहर निकल। शगुन? इससे पहले तो कभी नहीं किया माँ, आज क्या खास बात? अब तुम्हारा ब्याह हो गया ना बेटा, इसलिए। छाया देखा माँ कितना हम दोनों से प्यार करने लगी। क्यों ना करें, मुझ जैसी पत्नी जो मिली है तुम्हें। और बहू जरा दही तो ला। जी दीदी जी। लो बेटा, शगुन अच्छा होता है। माँ और कुछ? बस अब कुछ नहीं, 10:30 बजे का शुमूर्त है। चलो जल्दी। छाया नहीं बेटा, भैया मैं पानी लेके खड़ा हूँ, आ जाओ। चलो छाया माँ। चलो माँ, छाया का ख्याल रखना। मंजीत अब मारो इसे मेरे सर पे, जिसके लिए लाई वो तो चला भी गया। चले गए? जाता नहीं तो क्या तुम्हारे लिए धुनी रमा के बैठा रहता यहाँ? इतनी देर लगा दी जानबूझ के कि बदशगुनी हो जाए। क्यों भैया, झूठ कह रही हूँ मैं? अपन से क्या पूछती हूँ दीदी, अपन तो सारी दुनिया को एक ही नजर से देखते हैं। मेरी फूटी किस्मत ने तुम्हें बुलाया है, बैठो। बहु बिटिया जी, क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि माँ ने अपने फायदे के लिए तुम्हें शुभ बना रखा है, अब मैं अपने फायदे के लिए तुम्हें अशुभ बनाकर रखूंगा। सच? बहु बिटिया, अरे अरे, लेकिन माँ जी। माँ जी की फिक्र तुम मत करो, मैं संभाल लूंगा। लेकिन कैसे? ऐसे देखो, तुई, 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 तुई। क्या उल्लू बना रखा है माँ को। उल्लू तो है तू, जो सब गिनी धराम किए हुए। चल अपने कमरे में। चला बाबू, ना खुश होता है ना किसी को सोने देता है। बाबू बिटिया ले बांध चले अपना पल्ला, बांध ले। चाचा, तुम्हारी मुट्ठी में क्या है? कुछ भी तो नहीं। चावल है। समझ गया, पेट में चूहे दौड़े हैं। खाना खाओगे? मेरे भाभी के लिए, मेरे लिए नहीं। तुम अपनी भाभी का बहुत ख्याल रखते हो। मैं नहीं रखूंगी तो और कौन रखेगा? और अगर तुम्हारे पिताजी ने तुमको चोरी से खाना ले जाते हुए देख लिया तो? उनकी फिक्र ना करो, वो तो सारी दुनिया को एक ही नजर से देखते हैं। चुरा के लाया? नहीं भाभी, छुपा के। एक ही बात है, तूने बहुत बुरा किया बबलू, जा ये खाना वापस ले जा। थोड़े से तो खा लेना भाभी। जाता है कि नहीं? बहू रानी, खाना क्यों लौटा दिया तुमने? कैसे खाती, एक एक निवाला जलता हुआ अंगारा बन जाता मेरी हालत में। बबलू से चोरी से लाया था ना। और करता भी क्या बेचारा, सारे घर में तो आग सी लग रही है। अपने आप ठंडी हो जाएगी, जब होगी तब देखा जाएगा। और मैं ये पूछता हूँ कि तुम ये धुआं कब तक छिपाती रहोगी आखिर? जब तक मुझसे हो सकेगा। ऐसे तो तुम राख हो जाओगी बेटा। और मैं कर भी क्या सकती हूँ? प्रकाश से क्यों नहीं कह देती कि माँ जी का ये सलूक है तुम्हारे साथ? मैं इस घर की बहू बनकर आई हूँ, दुश्मन नहीं। मेरा धर्म यही कहता है
कि चुप रहकर उस भरम को बनाए रखूं जो माँ बेटे में है। लेकिन मेरा धर्म तो ये नहीं कहता, और फिर मुझसे तुम्हारी ये दशा नहीं देखी जाती। आने दो प्रकाश को, मैं सब कुछ बता दूंगा। नहीं भोला, तुम कुछ ना कहना। तुम तो जानते हो कितनी खतरनाक नौकरी है उनकी। कहीं मेरी वजह से वो परेशान हो गए तो जाने क्या हो। कुछ भी हो, मैं चुप नहीं रहूंगा। तुम्हें मेरी सौगंध। सौगंध? हाँ भोला। बहू रानी, ये तुम्हारी ज्यादती है। तुमने सौगंध क्यों खा ली? ये मुझसे नहीं होगा, मुझसे कहे बिना नहीं रहा जाएगा। और मैं इस घर में रहा तो तुम्हारी सौगंध टूट जाएगी। नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। ओह, तुमने सौगंध क्यों खा ली बहू रानी, तुमने सौगंध क्यों खा ली? माँ जी, क्या बात है पुत्र? मेरी जगह कोई दूसरा आदमी रख लीजिए। वो किस लिए? अब इस घर में मुझसे काम नहीं होता। तुम ठीक कह रहे हो भोला, किसका जी चाहता है यहाँ कुछ करने को। सारे घर का नक्शा ही बदल गया। बेटा माँ के लिए पराया, माँ बेटे के लिए पराई, मोहल्ले वालों से बोलचाल बंद। लेकिन इसमें हमारा क्या दोष है? ये सब उस चुड़ैल का किया धरा है। माँ जी, क्या मतलब? आपके मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। तो तुम्हारी भी जुबान खुलने लगी। क्षमा कीजिए माँ जी, ये मेरी जबान नहीं खुली, बरसों का खाया हुआ नमक बोल उठा है, और नमक कभी झूठ नहीं बोलता। तो यही कहने आए हो तुम? नहीं, मैं तो ये कहने आया हूँ कि इस घर में जो कुछ हो रहा है आप सारी दुनिया से छुपा सकती हैं, लेकिन इन बूढ़ी आंखों से नहीं छुपा सकती। क्या नहीं छुपा सकती? यही कि इस घर में पत्नी अपने पति की सेवा इसलिए नहीं कर सकती कि आप उनके बीच में दीवार बनकर खड़ी हो रही है। बच्चा अपनी भाभी से इसलिए नहीं खेल सकता कि आपके मुजरिम हाथ उसकी उमंगों के खिलौनों को तोड़ फोड़ कर फेंक देते हैं। अड़ोसी पड़ोसी इसलिए यहाँ से दूर रहते हैं कि आपने अपने मन के चोर को उनके मन का चोर भी बना दिया है। बहू तो देवी देवी, जिसने आपकी कमजोरी में पर्दा डालने की खातिर अपने पति की आंखों पर पट्टी बांध दी और मेरी जबान पर ताला लगा दिया। मैं सब कुछ देखता रहा, सुनता रहा, और मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन जाने से पहले एक बात जरूर कह दे रहा हूँ माँ जी, अगर भगवान कहीं है तो ये कागज की नाव ज्यादा देर तक नहीं ठहरेगी। और माँ जी कान खोल कर सुन लीजिए, अशुभ बहू नहीं, अशुभ तो आपके विचार हैं। तुम्हारी ये मतलब? माँ जी, ये तमाचा एक मालकिन ने नौकर के मुंह पर नहीं मारा, बल्कि झूठ ने सच के मुंह पर मारा है। निकल जा यहाँ से। मैं खुद भी इस घर में नहीं रहना चाहता, जिस घर में पत्थर को पारस और पारस को पत्थर समझा जाए। बोला अच्छा बहू जी, प्रणाम। ना जाओ बोला, मुझे अपराधी बनाकर ना जाओ। अब तो जाना ही होगा बहू जी, इसमें ना आपका दोष है ना मेरा। आपको अपने धर्म का पालन करना है और मुझे अपने धर्म का। भगवान आपको सुखी रखे। हेलो हेलो लीला, कहो किस हाल में हो? माँ जी के जाल में हूँ। इससे निकलने का एक ही तरीका है मेरी मन की बहना, माँ जी पे जाहिर कर दो कि तुम माँ बनने वाली हो। हाय राम, जब बनने वाली नहीं हूँ तो कैसे जाहिर कर दो? ओहो, अरे मिट्टी खाओ, इमली चूसो। लेकिन ये सब चीजें लाऊं कहाँ से? बहू बिटिया, क्या चाहिए तुझे? तुम मुझसे कह। कुछ नहीं माँ जी। तो बातें किससे कर रही थी? नहीं माँ जी, सपना देख रही थी। ये क्या है? दिखा दिखा दिखा। हेलो, रात को फोन नहीं करते बेटा, बहू को बुरे बुरे सपने आते हैं। माँ जी रे, निकम्मा कहीं का। Thank you.
कहाँ जा रही है महारानी जी? एयरड्रोम, उनसे मिलने। बहू हो तो ऐसी, इधर वो आया उधर ये चली उसे मेरे खिलाफ भड़काने। मैंने तो कभी सपने में भी ऐसा नहीं सोचा। अरे सोचा भी है तो मेरा क्या बिगाड़ लेगा कोई? जा, जो कुछ नहीं किया है वो भी करके अपनी दिल की भड़ास निकाल ले। जैसे विचार वैसे गुण, मेरा क्या है? उसे जन्म दिया है तो सब कुछ चुपचाप भुगतना ही पड़ेगा। माँ जी, खबरदार जो अपनी मनहूस जुबान से मुझे माँ कहा। अब देख क्या रही है, जाती क्यों नहीं? एक चोर दूसरे चतुर। अब महारानी जी जाना नहीं चाहती इसलिए ना कि अपने बड़ा मुझ पे डाल दे कि मैंने जाने से रोका है। चुकी। कौन है जी वो? तुम नहीं जानते? मैं शायद तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। तुम? अच्छा जी, अगर ये बात थी तो आप एयरड्रॉप में क्यों नहीं आए स्वागत करने? तुम बताओ। मैं बताऊं भैया? खबरदार बबलू जो उल्टी सीधी बातें की। ए बबलू इधर। बबलू, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ए मिस्टर, तुम मत हो गए वापस करता है। कौन डरता है? पर मैं कान में बोलूंगा। कान में कहेगा? अच्छा तो देख क्या है, अबे फिर तो देख रहा है इधर बात, इतनी खतरनाक बात क्यों छाया? क्या ये सच कहता है? नहीं जी, ये बिल्कुल झूठ कह रहा है। बबलू बता, तुमने उनसे क्या कहा? बोल तुमने क्या कहा बता। बबी, मैंने तो कहा था कि तुम भैया को बहुत याद रखते हो। सच्चे छाया, जो तुमने कहा है वो झूठ है, ये सच है। पंडित जी आप शुरू करो। हाँ बस बहन, अब बेड़ा पार समझू। हाँ बड़ा ज्ञानी है ये पंडित, इधर मंत्र पूरे हुए और उधर छाया छू मंत्र यानी कि खत्म। अच्छा तो भाभी को खत्म करना चाहते हो? अबे ओ गधे के बच्चे, तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे छाया कुछ नहीं पिताजी, मैं तो भगवान के लिए फूल लेने जा रहा था। तो जाओ बेटा जाओ। अरे पंडित जी भला हो तुम्हारा, इस बच्चे के सर से उस मनुष्य का भूत तो उतर गया। भूताय नमः, प्रत्याय नमः, जगताय नमः, दुर्गाय नमः, देवाय नमः। अच्छू जय महाकाली, खप्पड़ वाली तेरा वचन न जाए खाली। ओम के लिए भेजा था
ताकि भगवान का क्रोध हम पर टूट पड़े और हम करी के न रहे। यही चाहती है ना तू? क्यों किया तूने ऐसा? क्यों किया? क्यों किया? बता क्यों किया? क्या करेगा? बता तूने ऐसा क्यों किया? क्यों किया तूने? क्यों किया? क्यों किया? क्या करेगा? क्या करेगा तू? क्या करेगा? हाय भगवान, बस कर बाबा, बस कर। क्या मार ही डालेगी इसे? हाँ, हाँ मार ही डालूँगी। बच्चे की जान मेरे लिए, इसके जिम्मेदार मुझसे ज्यादा आप हैं। मैं? जी हाँ। क्या आपको इससे इनकार है कि यह हाथ मैंने एक बेटे की तरह आपकी तरफ बढ़ाए ताकि आप अपनी ममता का अमृत इनमें टपका दें, लेकिन आपने नफरत का जहर पीने के लिए दिया। क्या आपको इससे इनकार है कि मैंने एक पत्नी की तरह यह हाथ आपके सामने फैलाए ताकि आप पति सेवा का अधिकार मुझे दे सके, लेकिन आपने मुझसे ये सौभाग्य भी छीन लिया। क्या आपको इससे इनकार है कि मैंने एक माँ की तरह यह हाथ आपके सामने फैलाए ताकि आप इस घर के होने वाले बच्चों को आशीर्वाद दे सके, लेकिन आपने मुझ पर इतनी भी दया नहीं की। ये झूठ है, ये सब झूठ है। इसीलिए ना कि इस घर की इज्जत और आपका मान रखने के लिए मैंने इन्हीं हाथों से अपना मुंह बंद किए रखा। मैं चुप रही, इस भरे पूरे घर में बिल्कुल अकेली रही, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तो क्या होगा? ये हाथ आपको इसी तरह प्रणाम करते रहेंगे, लेकिन अब इनमें चूड़ियां बजेंगी, होंठ गाएंगे, आंखों की पुतलियां नाचेंगी और मेरी मांग का सिंदूर एक नई उमंग से दमक उठेगा। लेकिन ये सब आपके लिए नहीं, आपकी आंखों के सामने अपने देवता के लिए। Thank you.
अपने बलवा से नैना लड़े बे हमार कोई माँ, अच्छा तो मैं जाता हूँ। जाओ बेटा, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। माँ, आज कुछ शुभ नहीं होगा? क्या जरूरत है बेटा, आशीर्वाद तो दे दिया। अच्छा। हेलो भैया, हम भी चलते हैं। क्या अपशगुन कर दिया जाते समय टोककर? तो क्या हुआ माँ जी, आपका आशीर्वाद जो साथ है। ये सब कहाँ जा रहे हैं? एयर रूम तक। आपके पास तो हर वक्त रहती हूँ, थोड़ा सा वक्त इनके साथ भी गुजार लो तो क्या हर्ज। अच्छा माँ, नमस्ते। जाओ। माँ, ये माँ देख मैं क्या लाया हूँ। क्या लाया है रे? अरे माँ, तू देखकर गोल कप्पा हो जाएगी। अरे बता तो क्या क्या लाया है। बताता हूँ। देख, इसमें मिट्टी है और इसमें इमली है। इमली? हाँ, ले इमली। मीरा, मैं तेरे लिए मिट्टी भी लाया हूँ। देख, ए माँ, इसी ने कहा था दोनों चीज लाने के लिए। इसने कहा था? हाय राम, मैं मर गई। क्यों, क्या हुआ माँ? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। माँ, ये इसने इमली और मिट्टी क्यों मंगाई? अरे तू नहीं समझता, जल्दी से जाके काशी वाले पंडित जी को बुला ला। क्यों, उसको क्यों बुलाऊं? अरे मूरत, तू बाप बनने वाला है। मैं बाप हो? अरे माँ, अच्छा मैं समझ गया, तुम काशी वाले पंडित को क्यों बुलाना चाहती हो। तुम उससे पूछना चाहती हो कि अपने घर में लड़का होगा या लड़की होगी। ऐसे ही कुछ बात है। मगर माँ, काशी वाले पंडित तो काशी चले गए हैं। हाँ, फिर क्या उपाय? अरे उसके गुरु को बुला के लाता हूँ। अच्छा माँ, देख मैं उसके साथ नहीं आऊंगा। हाँ, मुझे शर्म आएंगी। नहीं बेटा, तो जरूर आना। नहीं माँ, मुझे शर्म आएंगी। माँ, माँ जी, मुझे तो अभी से शर्म आ रही है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अलख निरंजन, अलख निरंजन। प्रणाम है। तुम मेरी माता समा हो। यहाँ बैठे महाराज। हैं? इस पे बैठना महापाप है। अघोरी महाराज इस पे विराजते हैं। बहु बिटिया, बहु बिटिया, अरे जल्दी आ, जल्दी चलना। महाराज को प्रणाम कर। सदा सुहागन रहो, दूधो नहाओ, पूतो फलो। है देवी, तुम्हारे मुख पे ये चिंता की छाया कैसी? कुछ नहीं महाराज, कुछ नहीं। बहु बिटिया के लिए कुछ पूछना था, इसलिए आपको कष्ट दिया। हस्त दिखाओ देवी। जी? चिंता न करो देवी, साधु पिता तुल्य होते हैं। हैं? हस्त को देखने से तो ये प्रतीत होता है कि देवी को संतान का लाभ होगा। पर मेरा क्या होगा महाराज? देवी, जरा तुम परे हटो। माई, अपने मन में भगवान का नाम लो। हे राम, हे राम। हे राम नहीं, हरे मुरारी, हरे मुरारी, हरे मुरारी, हरे मुरारी, हरे मुरारी। हाँ ठीक है, ठीक है। सुनो माई, जिस घड़ी इस घर में बच्चे का जन्म होगा, उस घड़ी बहू या सास की मृत्यु हो जाएगी। महाराज, साफ साफ बताइए, किसकी मृत्यु होगी, बहू की या सास की? हैं? तुम्हारे मन में पाप है माई। करिए महाराज, क्षमा करिए। हम प्रसन्न हुई, प्रसन्न। महाराज, इस संकट का कोई उपाय है? है? देवी, दो कार्य करने होंगे। एक, सास को बहू से दूर रहना होगा। और दूसरा? दूसरा, सास को इसी वक्त तीर्थ यात्रा पे जाना पड़ेगा। जाऊंगी, जाऊंगी महाराज। जाना ही पड़ेगा। दक्षिणा? दक्षिणा? अघोरी महाराज मोह माया के लालच में नहीं पड़ते। अलख निरंजन, अलख निरंजन। भोम अलख निरंजन, अलख निरंजन। माजी, उनको तो आने दीजिए, वरना वो मुझे डांटेंगे कि आपको रोका क्यों नहीं। अरे क्या हो रहा है? देखिए ना माजी, तीर्थ को जा रही है और अंकित नहीं जा रही है। तीर्थ को जा रही है? खड़ी खड़ी क्या करी, जल्दी से तैयार हो जाने के लिए। नहीं नहीं बेटा, मैं अकेली ही जा रही हूँ। माँ जी, हमसे कोई भूल हुई है, अपराध हुआ है, माफ कर दो माँ जी, हमें माफ कर दो। अरे खड़ी खड़ी देखती क्या है, माँ जी के चरण छू। नहीं नहीं रो बेटिया,
मैं तो अपनी मर्जी से ही जा रही हूँ, अपने कल्याण के लिए, अपने मन की शांति के लिए। इसमें तुम लोग का कोई दोष नहीं, भगवान तुम दोनों को सुखी रखे। माँ जी मत जाओ, माँ मत जाओ, माँ मत जाओ, मत जाओ। माँ जी, हे भगवान, माँ जी, मेरी माँ की रक्षा करना माँ। हेलो, हेलो बबलू, मिसी, मिसी प्रकाश को, मिसी प्रकाश इधर कोई नहीं है। ओहो, तो भाभी बोलिए ना। हेलो, हम आपे बुलाते हैं। भाभी, ओ भाभी, फोन फोन। हेलो, हाँ हाँ मैं बोल रही हूँ। मैं एरोड्रम से बोल रहा हूँ। एक खबर है मिस्टर प्रकाश के बारे में, लेकिन आप चिंता मत करिए, उनका जहाज कहीं खो गया है। क्या? मिसेस प्रकाश, तो ये सच है? जी हाँ सच है। अरे, आप वहां लड़ जाइए। मिसेस प्रकाश, हम प्लेन को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। भगवान ने चाहा तो प्रकाश जल्दी वापस आ जाएंगे। आप फिक्र न कीजिए, उनके आते ही आपको इत्तला दे दी जाएगी। आधी रात हो गई है, कब तक यहाँ बैठी रहूंगी? घर माता जी परेशान हो रही होंगी। और अगर कोई खबर आ गई तो पहुंचा जाएगी, मैंने सब इंतजाम कर दिया है। नहीं भैया, मैं नहीं जाऊंगी। नहीं, चलिए घर चलिए, चलिए उठिए उठिए। देखा है तुम्हारा असली रूप, कौन था वो? आंतर प्रकाश को सब कुछ बता दो। माँ जी ऐसा ना कहिए, भगवान के लिए आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। ये किसका करी पूरा आता बताओ, किसका करी पूरी? किसी कभी नहीं, किसी कभी नहीं, आप चले तो मर गए। क्या चाहते हैं मिसेस प्रकाश से? मुझसे बात कीजिए। रक्षा भी तुझे को करना होगी प्रभु। उन्हें वापस ले आ, वापस ले आ के तेरे नाम पे कोई आंच ना आए। मुझसे कोई भूल हुई है इस जन्म में या पिछले जन्म में, तो उसकी सजा भी मुझे को दे। अभी कोई सजा बाकी रही हमारे लिए? बहुत प्रार्थना कर चुकी, अब जा यहाँ से, नहीं तो भगवान को क्रोध आ जाएगा। अब वो मेरे बच्चे को बचाना भी चाहेगा तो नहीं बचाएगा। जी मैं तुझसे मिन्नत करती हूँ, चले जा यहाँ से। अगर तू यहाँ नहीं तो मेरी भी प्रार्थना सफल नहीं होगी। मुझे जिस बात का डर था वही। क्या यहाँ से? मैं तुम्हें भगवान से कहूंगी कि भगवान, अगर तू मेरे बच्चे को इसलिए वापस भेजना चाहता है कि वो एक अशुभ बहू का हाथ पकड़ कर फिर जीवन और मौत के उछल में फंस जाए तो उसे वापस न भेजू, उसे वही रहने दो जहाँ वो है। माँ, अगर आपकी मुझसे ये बात निकली कैसे? अगर भगवान कहीं है तो वो आपकी बात नहीं सुनेगा। भगवान, भगवान की बात मत सुनना, कहीं की बात मत सुनना, मेरी बात मत सुनना। नहीं, मैं यहाँ से मत निकलूँ। निकल। मैं जी नहीं बनती, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। आप जी चाहे जो कीजिए, लेकिन भगवान के घर का दरवाजा मुझसे बंद। यही नहीं तेरे लिए घर का दरवाजा।
जा यहाँ से, निकल। खबरदार यहाँ खड़ी है। तुम बताओ मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? खबरदार उसे हाथ लगाया तो। शायद इससे नहीं पड़ता चाहिए। आप अपना बेटा मुझसे छीन सकती हैं, लेकिन मेरे पति को मुझसे नहीं छीन सकती। ये अभी एक कला ही नहीं रहेगा। आपसे जो हुआ है वो अगर भगवान से भी होता तो उसके हाथ कांप जाते। लेकिन लेकिन ये टूट गया तो क्या? सुहार बिन मनकू और सोने चांदी के तारों का तो नाम नहीं, सुहार तो उस लगन का नाम है जिसकी लौ पतिव्रता स्त्री के हर सांस को मंगलसूत्र बना देती है। मन के बिखर सकते हैं, सोने चांदी के तार टूट सकते हैं, लेकिन उस मंगलसूत्र तक किसी का हाथ नहीं पहुंच सकता, किसी का नहीं। और मैं उसी के सहारे भगवान से प्रार्थना करूंगी कि अगर मुझे अशुभ बनाने में भगवान का नहीं आप जैसे लोगों का हाथ है तो मेरा सुहाग अमर रहे, मेरे पति वापस आ जाए, वापस आ जाए। और मुझे विश्वास है कि वो जरूर वापस आएंगे, जरूर आएंगे, वापस आ जाएगा भगवान, मेरा प्रकाश वापस आ जाएगा। हाँ, लेकिन इसलिए नहीं कि आपने उन्हें जन्म दिया है, बल्कि इसलिए कि मैं उनकी पत्नी हूं। भगवान, मन कह रहा है जो कुछ मैं कर रही हूँ वो पूरे, ममता कहती है दूसरा कोई उपाय नहीं, अब तो ही बना मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? ऐसे लोग इकट्ठे क्यों हुए? साहब कोई औरत मोटर के नीचे आ गई। कोई औरत मोटर के नीचे आ गई? ज्यादा से ज्यादा। ड्राइवर चलो। अरे देखो सुनो भैया कौन आए, देखो अरे मामू कैसे हो? माँ छाया कहाँ है? ऊपर छाया बबलू
क्या होता बेटे, रोता क्यों? भाभी रोता क्यों है? भाभी भाभी क्या भाभी? बोलो बच्चे बोलो। कि बबलू रो क्यों रहा है? तुम लोग बोलते क्यों नहीं? बात क्या है? माँ छाया अच्छी तो है ना, उसे कुछ हुआ तो नहीं? मैं कहता हूँ तुम लोग बोलते क्यों नहीं? भैया बुआ ने ना बाबू को घर से बाहर निकाल दिया, जब तुम बाहर जाते थे ना तब वो खूब डरते थे। जब आज तुम्हारा हवाई जहाज टूटा ना तब बुआ ने खूब मारा और घर से निकाल दिया। निकाल दिया? छाया को घर से बाहर निकाल दिया? उसे घर से क्यों निकाल दिया? क्या मैं इसीलिए तुम्हारे सपुर्द करके गया था उसे? मैं समझा था कि तुम उसे अपनी लड़की समझकर पालोगी, लेकिन तुम मेरी बात तो सुनो। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। तुम्हें सुनना ही पड़ेगा, आखिर मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं किसी का बेटा नहीं प्रकाश, और कोई मेरी माँ नहीं। लीला छाया कहाँ है? छाया यहाँ तो नहीं आई। यहाँ नहीं आई? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? छाया मैं यहाँ कैसे? एक्सीडेंट हो गया था, अब आप अच्छी हैं। उठी नहीं, डॉक्टर ने अभी हिलने डुलने के लिए मना किया है। मेरा घर पता बता दीजिए, हम आपके घर वालों को यहीं बुला देते हैं। पता प्रकाश, मैं आ गया अकेला। माँ अब तो खुश हो ना, अब तो तुम मुझसे कोई शिकायत नहीं ना माँ, कोई शिकायत नहीं। मुझे तो तुमसे कभी कोई शिकायत नहीं थी बेटा। अब कभी होगी भी नहीं माँ, कभी नहीं होगी। मैं अब समझा कि माँ जो कुछ भी करती है अपने बेटे की भलाई के लिए करती है। मुझे क्षमा कर दे माँ। बेटा माँ मुझे क्षमा कर दे। ये तो क्या कह रहा है? माँ मैं थोड़ी देर के लिए भूल गया था कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ। माँ मैं थोड़ी देर के लिए भूल गया था कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ। मैं तुम्हारा बेटा हूँ, मैं तुम्हारा बेटा हूँ ना। हेलो, मैं अभी ड्यूटी पर आया। प्रकाश तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें तो बुखार है मेरे लाल, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। नहीं माँ मुझे जाने दो। मेरी बात मान दो। मुझे जाने दो माँ। मत जाओ मेरे लाल, मेरी बात मान दो। माँ इस घर में छाया साहेब की तरह हर वक्त मेरा पीछा करती रहती। नहीं नहीं प्रकाश। माँ तुम्हें नहीं मालूम, माँ उसकी दुआ के मुझे हर वक्त घूरती रहती। ये तुम क्या कह रहे हो? इस घर में नहीं उसे लाया था ना माँ। प्रकाश माँ मुझे भाग जाने दे। नहीं प्रकाश, मैं तुम्हें नहीं भाग जाने दे माँ, मुझे भाग जाने दे। अच्छा प्रकाश, बैठ जाओ। जी मैं खड़ा रहूंगा। तो तुमने कमांडर की इंसल्ट की थी? चूंकि उन्होंने मुझे ड्यूटी पे जाने से रोका था। तुम देर से क्यों आए थे? जी देर से आने का मतलब ये तो नहीं कि कमांडर साहब सबके सामने मेरी इंसल्ट कर सकते हैं। इसके लिए तुम्हें माफी मांगनी पड़ेगी।
जी मैं माफी नहीं मांगूंगा और कमांडर साहब को मुझसे माफी मांगना होगी। ओह आई सी। अच्छा तो फिलहाल तुम्हें सस्पेंड किया जाता है और जब तक पूरी इंक्वायरी नहीं होगी तब तक तुम्हें ड्यूटी पर आने की कोई जरूरत नहीं। बबलू मामू सभा देखो मैं तुम्हारे लिए क्या चीज लाया हूँ। क्या लाया बेटा? बड़ी अच्छी खबर है माँ। लो पहले पहले मुंह तो मीठा करो। लेकिन ये क्या है बबलू? ले तुम्हें मुंह मीठा। अरे भाई अपने तरफ तो कोई देखता ही नहीं। किसी की मजाक है मैं मुझे तुमसे हाथ मिला जाए। खैर तुम भी क्या याद करोगे? ये सब क्या हो रहा है बेटा? तुमसे क्या छिपा है माँ? तुम तो सब कुछ जानती हो ना माँ। माँ तुम्हारी ना होती तो इतनी खुशी कैसे नसीब होती माँ? मैं कुछ समझ नहीं सकी। तुम नहीं समझोगी माँ। मामू जी तुम समझे? अपने को कुछ समझ। बबलू तू समझा कुछ? बबलू हाँ मैं समझ गया। भाभी मिल गई होगी। भाभी छाया छाया ठीक है ना भैया? पागल कहीं का जब देखो भाभी का नाम लेता रहता है। अरे माँ का नाम लिया कर माँ का। माँ मैं बताता हूँ माँ। माँ बात यह है कि मुझे तरक्की में तरक्की मिल रही है माँ। बेटा ये तुम्हें क्या हो रहा है? कुछ नहीं माँ कुछ नहीं। माँ मैं झूठ नहीं कह रहा माँ। मैं माँ आखिर बेटा किसका हूँ? तुम्हारा हूँ ना माँ। माँ दूसरी तरफ इतना हुई जब तुमने उसे घर से निकाल दिया। माँ तीसरी तरफ तीन सबसे ज्यादा अच्छी माँ जब मुझे नौकरी से बाइज्जत निकाल दिया गया। माँ माँ इन तीनों तरक्कियों का सिरा तुम्हारे सर है। माँ तीनों तरक्कियों का सिरा तुम्हारे सर है। माँ तुमने अच्छा किया जो मनुष्य को घर से निकाल दिया। माँ माँ तुमने अच्छा किया जो मनुष्य लड़की को घर से निकाल दिया। तुम लोग चुप क्यों हो? तुम लोग हंसते क्यों नहीं? क्या कर रहे हो? माँ माँ तू हंसती क्यों नहीं? माँ माँ तू हंसती क्यों नहीं? माँ हेलो 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 कौन? भाभी भाभी जल्दी आना भैया बहुत बीमार है जल्दी आना। फोन किया सिस्टर? किया। एक बच्चा बोल रहा था भाभी जल्दी आओ भैया बहुत बीमार है। क्या वो बीमार है? कौन बीमार है? मेरे पति। मैं तुम्हारा बेटा हूँ ना माँ। हाँ प्रकाश मैं तुम्हारा प्यारा बेटा हूँ ना माँ। हाँ मैं तुम मेरी माँ हो ना। हाँ प्रकाश मैं तुम्हारा लाडला बेटा हूँ ना माँ। छाया 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 जाने उसने तुम पे क्या जादू कर दिया है? तुम जाओ यहाँ से। माता जी आपको देखते ही मरीज परेशान हो जाता है। अगर आप इनके पास ना आए तो अच्छा होगा। लेकिन मैं इसे कल नहीं छोड़ सकती हूँ। छोड़ना ही होगा। तुम अंदर नहीं जा सकती। अंदर नहीं जा सकती? ये घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद है। किसके हुक्म से? दीदी के हुक्म से। मेरे हुक्म से खुल भी सकते हैं? हट जाइए। मेरी लाश पर से गुजर के तुम अंदर जा सकती है। मामा जी नहीं जाने दूंगा तुम्हें। आप तो मेरे सुहाग के सौगंध है। तुम्हारे सुहाग को बचाने के लिए ही तो मैं तुम्हें रोक रहा हूँ। किसी स्त्री के सुहाग को इस तरह नहीं बचाया जा सकता। वो उसी वक्त बच सकता है जब वो अपने आंसुओं से अपने पति के चरणों को धोती है उसके दुख को अपना सुख बना लेती है अपनी जान की परवाह न करते हुए उसके जीवन की खैर मांगती है। मैंने कैंचो दिया कि तुम अंदर नहीं जा सकती। मामा जी मुझे मत रोकिए मैं आपके पैर पड़ती हूँ। बार जो मेरा पैर छूकर मुझे कलंकित किया था। कलंकित के बच्चे मैं तुझे कलंकित बनाता हूँ। तो तू कलंकित बन जाएगा। मैं आ गई। तुम्हारी छाया आ रही। प्रकाश प्रकाश तुम आ गए।
पारा। क्या हूँ मैं? मैं हूँ। तुम आया? छाया? छाया कहाँ है? छाया कहाँ है? छाया से पूछना कैसे जीव? प्रकाश मैं बिल्कुल अकेला हूँ। मैं चल रहा हूँ। छाया तुम मर गई। उसे तो मार डाला गया हम सबने मिलकर। हमने उसे मार डाला। छाया, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं जब तुम्हारे साथ इतना बुरा सलूक हो रहा था? बातें नोट करती होती हैं। तो तुम घर छोड़ के चले जा रहे हो? हाँ माँ। एक दिन नहीं रुक सकते? नहीं। आज दिवाली है बेटा। आज के दिन श्री रामचंद्र जी कौशल्या माता को मिलने आए थे। आज माँ बेटे का मिलाप का दिन है। माँ, ना तो तुम कौशल्या हो और ना मैं बेटा राम। नहीं माँ, मुझे जाने दो। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। माँ, मैं कह रहा हूँ मुझे जाने दो। मुझे नहीं। माँ, मुझे जाने दो। प्रकाश, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। बहू, मैं अच्छी हूँ या बुरी हूँ ये मैं नहीं जानती, लेकिन लेकिन मैं एक माँ हूँ। मुझे दया की भीख दे दो। मुझे दया की भीख दे दो। आज के दिन मेरे बेटे को मुझसे अलग न करना। बस यही कहना है। एक दिन रुक जाए तो क्या हर्ज है? नहीं चाहे मैं कहूंगी तो भी नहीं। तुम्हें मेरी ये बात माननी होगी। मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूं ना। बाजार से हमारे लिए मिठाई ले आओ ना। याद नहीं आज हमारी पहली दिवाली है? जल्दी आना। तुम्हें भी दिवाली मुबारक हो। अच्छा, तुम जब तक नीचे चल के दिए लगा। मैं मुबारक धो लेता हूँ। कपड़े भी बदल लेना। अच्छा।
क्या कर रही हो? उसे बचाने की कोशिश क्यों कर रही हो? वो मनहूस है, ये मौका हाथ से न जाने दो। इस वक्त अगर दया की तो तुम्हें अपने इकलौते बेटे से हाथ धोना पड़ेगा। घर चलने दो, घर अगर तुम्हारा प्रकाश सलामत रहा तो ऐसे हजारों घर बन जाएंगे। उसी मनुष्य की वजह से तो ये आग लगी है, उसे न बचाओ, उसे न बचाओ, उसे न बचाओ। तुम्हें बहू चाहिए बेटा, बहू चाहिए या बेटा, बहू चाहिए या बेटा। मैं सचमुच मनहूस हूँ। नहीं नहीं, तुमने तो मेरे बेटे की जान बचाई, मुझे माफ करो छाया, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। बेटी माँ, अरे ये क्या कर रहे हो तुम लोग, घर फूंक कर तमाशा देख रहे हो? तुम तो जानते हो मुरारी की अग्नि पवित्र होती है, ये घर नहीं वहम और नहुसत जल रहे हैं। बहू बिटिया। माँ, अरे बाप रे, क्या हुआ? अरे माँ कुछ हुआ नहीं, अरे दो दो हुए। मेरे को वो साधु ने बोला था ना कि बच्चा होएगा तो तुम मर जाएंगी, अरे बच्चा हुआ और वो साधु ही चल बसा। दो दो बच्चे। ए, ए, माता जी को मेरा देखती क्या है? हाँ बेटा, ये जरा रोता है, इसका नाम ढूंढू, इसका नाम पांडू, ये बहुत अच्छा बच्चा है। बाबा